जैन फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी मनोज सिंह और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ज़रूरी अपडेट जिसमें कि आप पॉली क्लिनिक में जो पहले हम लोगों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन लोगों के लिए जो मेडिकल सुविधाएं हैं कोई दूर दराज के इलाके से आता था मान लिया जाए एक या दो के बीच में तो उन लोगों को देखा नहीं जाता था और उनसे बोला था पहले आप OIC की पर्ची लेके आइए या उनसे बात कीजिए उसके बाद फिर हम आपका पर्ची बनाएंगे या बहुत सारी जगह तो 2 बजे के बाद देखते भी नहीं है। लेकिन इसको लेके बहुत अपडेट आए हैं, जल्द आप अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, दूसरा अपडेट मैं आपको दूंगा DMA की ओर से यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर की ओर से कि जो जवान और JCOs की जो अगर 10 महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं करते थे या पार्ट ऑर्डर नहीं होता था तो उनकी 1/3 तनख्वाह काट ली जाती थी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और तीसरा है कि CSD ने 422 आइटमों के उत्पाद को अब CSD में आने से रोक दिया है, आपको बताऊंगा डिटेल से। और चौथा है आपको TD के लिए एडवांस पेमेंट, पूरी जानकारी आपको दूंगा पूरे वीडियो के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको डिफेंस की सबसे लेटेस्ट जानकारी आपको आसान भाषा में मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम ECH पॉलीक्लिनिक की। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे दूर दराज के लोग रहते हैं, आज भी बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जिनके घर से पॉली क्लिनिक की दूरी कम से कम 150-200 किलोमीटर भी होती है, या तो उनको एक दिन पहले रात कहीं होल्ड लेना पड़ता है, रात को रहना पड़ता है, और या उन लोगों का 1-2 बजे तक पहुँच नहीं पाते हैं, लेट पहुँचते हैं, तो उनको ECH में देखा नहीं जाता है और उनको बोला जाता है कि 2 बजे बाद पर्ची नहीं कटेगी या 1 से 2 बजे के बाद नहीं कटेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 4 बजे तक का उनका वर्किंग आवर है, जो 3 से 4 का उनका प्रशासनिक कार्य का समय है उसमें भी एक मेडिकल डॉक्टर बैठेगा। और अब आप लोग जब भी वहां जाएं तो आप लोगों का 4 बजे तक पूरा आप लोगों को डॉक्टर देखेगा और आपका ट्रीटमेंट भी होगा। और हमने खुद ने ये चीज देखा है कि पॉली क्लिनिक में अधिकतर क्या होते हैं, वहां पॉली क्लिनिक स्टाफ में रिटायरमेंट फौजी कम है और बहुत सारे पॉली क्लिनिक में सिविलियंस भी ज्यादा हैं। और धीरे धीरे आर्मी में एक हमेशा एक रिस्पेक्ट की भावना होती है, लोगों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट उन लोगों से हजम नहीं होता है और उनके बहुत सारे दुर्व्यवहार की भी रिपोर्ट आ रही है। जल्द इसको लेकर भी एक वीडियो बनाएंगे कि इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट होना चाहिए। और कोई भी डिपार्टमेंट कहीं भी हो जहां वो आर्मी एरिया में काम करता हो और उसके अंडर में जो सिविलियंस काम करते हैं उन लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि ये भूतपूर्व सैनिक हैं और सेना में इतने साल नौकरी करके आए हैं, उनसे बात और उनसे हर चीज तमीज से की जाए। लेकिन ये बहुत जगह इसके खिलाफ रिपोर्ट आ रही है, जल्द इसको लेकर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी शॉर्ट भाषा में ECS का कि अब आप ECS 4 बजे तक आपका ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल डॉक्टर 3 से 4 के बीच में भी एक डॉक्टर रहेंगे जो आपको देखरेख और आपका जो ट्रीटमेंट है उसकी कार्रवाई करेंगे। अब फ्रेंड्स, जो दूसरी अपडेट है वो है आपकी DMA की ओर से यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ओर से। अब इसमें क्या होता था कि 10 महीने तक मान लिया जाए कोई बंदा पोस्टिंग जा रहा है या कहीं जा रहा है और उसका समय पे रहते हुए पार्टो ऑर्डर नहीं हो पाया या पार्टो ऑर्डर की रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स में नहीं पहुंची है तो उनकी 1/3 पेमेंट काट ली जाती थी। लेकिन इस बार DMA ने साफ तौर पे कहा है कि सैनिकों की तनख्वाह काटना बिल्कुल गलत है, अब नवंबर के बाद में ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर अब नवंबर के बाद में किसी का पेमेंट काट लिया जाता है तो यह आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। तो अब कह सकते हैं कि पार्ट ऑर्डर भले ही थोड़ा सा टाइम उसे हो जाना चाहिए टाइम पे, अगर किसी कारणवश टाइम पे नहीं हुआ है तो भी इन लोगों की तनख्वाह जो 1/3 पेमेंट कटती है वो नहीं कटेगी। अब फ्रेंड्स, तीसरा अपडेट है, ये इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा या बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है कि अब कैंटीन में 422 उत्पाद जो हैं वो कैंटीन में नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें से अधिकतम जो आइटम्स होते थे वो चाइना, वियतनाम, भूटान, श्रीलंका या हमारे काफ़ी पड़ोसी देशों के भी होते थे, तो जिसमें भूटान से तो मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि भूटान हमारा बहुत अच्छा मित्र राष्ट्र भी है और हम लोग काफ़ी मिलकर काम भी करते हैं, तो उस
भूटान का मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन चाइना का ठीक है कि उन लोगों के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे काफ़ी इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा कि बल्ब हो गया, प्रेस हो गई, कॉफ़ी मेकर मशीन हो गई, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम उनका बैन कर दिया, उनका करना भी चाहिए। लेकिन भूटान का समझ में नहीं आता मेरे, भूटान और श्रीलंका का कि उनका क्यों किया। चलिए ये भी एक मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, हो सकता है उन्होंने अच्छा इसमें सोच विचार करने के बाद कोई फैसला लिया होगा। फ्रेंड्स अब लास्ट अपडेट है आपका टेम्परेरी ड्यूटी से लेके, यानी कि अभी तक क्या होता था हम लोगों को, जो हम मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी में अभी तक क्या होता था कि किसी को भी अचानक नॉमिनेट कर दिया जाए टेम्परेरी ड्यूटी के लिए, तो उसको टेम्परेरी ड्यूटी में जाना पड़ता था, और उसको टेम्परेरी ड्यूटी में आपको पता है कि टाइम का कोई पता नहीं चलता कि कितना टाइम आपको बाहर लग जाए, तो उस दौरान में अब तो पेमेंट हो गई है आपकी कार्ड सिस्टम से। लेकिन पहले आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जब पेमेंट हम लोगों को बाई हैंड मिलती थी अकाउंट सोल में साइन करके, तो उस दौरान पे कितनी दिक्कत आती थी कि उसको पैसा नहीं और अचानक भेज दिया जाता था, और वहाँ उसको मतलब कहीं उसको मार्केटिंग की कुछ सामान की ज़रूरत हो गई तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब हो चुका है सुधार, अब भले ही हमारी सैलरी प्रोसेस जो है वो पूरा ऑनलाइन हो चुका है, हर चीज़ बढ़िया हो चुकी है, लेकिन अभी भी जैसे टेम्परेरी ड्यूटी के लिए एडवांस क्लेम अभी तक आर्मी का नहीं होता था। तो अभी ये बड़ी अपडेट है कि जिस प्रकार एयरफोर्स नेवी में कोई भी उनके जवान या अधिकारी जब जाते हैं टेम्परेरी ड्यूटी, तो उससे पहले वो लोग एडवांस क्लेम लेते हैं, यानी कि एडवांस पहले पेमेंट लेते हैं, उसके बाद वो लोग टीडी में जाते हैं ताकि उन लोगों को अपने काम करने में कोई भी समस्या या प्रॉब्लम ना आए। तो अब उसी की तर्ज पे इंडियन आर्मी ने भी और ये किया है हमारे CDS विपिन रावत ने। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों से बिल्कुल दिल से बोलना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो बनाई जितनी भी पेंशन से रिलेटेड या जो हमारा न्यू पेंशन प्रपोजल से रिलेटेड, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ ध्यान अटेंशन करने की कोशिश की है कि जो पेंशन कटौती है क्या ये हमारे CDS साहब का दिमाग है या उनका नाम लेके कोई और राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। इसको लेके भी जल्द वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लेकिन एक दो चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे कदम भी उठाए जा रहे हैं, उनमें से ये एक है। और दूसरा CGA का हमारा जो FD कोटा है वो हमारा ऑनलाइन हो रहा है, ये भी दूसरा अच्छा कदम है। तीसरा एक है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ जल्द वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार CDS अब तीनों सेनाओं को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा काम जिसमें कि तीनों सेनाओं का रोल इकट्ठा हो। तो ये बहुत अच्छे अच्छे फैसले भी हो रहे हैं और इससे रिलेटेड मैं जल्द आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के डिफेंस की अपडेट या भर्तियों की जानकारी या आर्मी भर्ती टिप्स के लिए अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने भाई बहन हैं वो लाइक दें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नई फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।